Give reason a radiation of wavelength lambda is less than lambda threshold incident on a metal sphere placed on an insulated stand results in the emission of photoelectrons for some time and then stops. B. In the photoelectric experiment, apparatus containing the collector and the emitter plates, a saturated photoelectron current is observed. If an external electric field is applied in the direction opposite to the motion of the photoelectrons, what is the change observed in each of the following give region? First, the saturation value of photocurrent. Second, the kinetic energy of the photoelectrons striking the collector plate. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग जो है कोई स्फेयर है, ठीक है, किसी कंडक्टर का है, मेटल का है, और इसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा है. किस पे रखा है? इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है, मतलब नीचे से कहीं से कोई कंडक्शन नहीं होगा. ये स्फीयर रखा हुआ है और कह रहे इस पर लाइट डाली जाती है. क्या डाली जा रही है बच्चों? लाइट डाली जा रही है, ठीक है. कौन सी लाइट डाली जा रही है? ऐसी लाइट डाली जा रही है जिसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम है, ठीक है. तो क्या होगा बच्चों? हमको पता है कि थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ होती क्या है. थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या होती बताओ? द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ होती है अप टू विच फोटो इलेक्ट्रॉन कैन इमिटेड फ्रॉम द गिवन मेटल. इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. तो उन्होंने कहा जो लाइट डालते हैं उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है, इसका मतलब इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ देर तक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टॉप हो जाता है, क्यों? तो भाई देखिए, जब लाइट पड़ेगी तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे. ये इलेक्ट्रॉन निकलने मान लीजिए शुरू हो गए, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कौन से निकलते हैं सोचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कौन से निकलते हैं? तो बच्चों, ये वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो वैलेंस बैंड में होते हैं. जो कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में. तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है? वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट सेल. तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है. अब आउटर मोस्ट सेल के जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टॉप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है. सपोज करो, यहां हम कहते हैं कि आपने ये सीजियम मेटल का यूज कर लिया, सीजियम. सीजियम की अगर आप बात कीजिए, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55. इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 5p6 6s1. इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1. अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो जब भाई सबके 6s1 वाले जो सारे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसके बाद अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी ना निकाल पाएगी लाइट. क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो टाइटली हेल्ड होते हैं. इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक केवल होता है तो केवल वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जो वैलेंस सेल में होते हैं, ठीक है. तो जब किसी मेटल्स के स्फीयर से सारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े निकल नहीं पाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा. तो इसीलिए अगर हम किसी स्फीयर पर लाइट डालेंगे जिसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है उस गिवन मेटल के लिए, तो कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद जब सारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है. इसको फटाफट नोट कर लीजिए. तो देखिए बच्चों, इसके बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बना हुआ है. ये फोटो सेंसिटिव मेटल लगा हुआ है जिस पे लाइट डाली जा रही है. यहाँ से क्या डाली जा रही है बच्चों? लाइट डाली जा रही है, और इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो मतलब इतनी सफिशियंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी सफिशिएंट है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे. और यहाँ सैचुरेशन करंट हो रही है बच्चों. सर्किट में कैसी करंट है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन, पता है ना,
जब किसी मेटल पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जिस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऐसी मेटल को फोटो सेंसिटिव मेटल कहते हैं, ये लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। और जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्लेट को इमिटर प्लेट और इसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, ये निगेटिव होती है ना। अच्छा अब जरा सोचिए बच्चों, बात यहाँ पे ये है, इन्होंने कहा कि जब यहाँ सेचुरेशन करंट हो रही होगी, सेचुरेशन करंट समझते हो मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, जैसे यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले वो सारे के सारे यहाँ पर सेकंड पहुँच जाए, मतलब एक सेकंड में अगर इस प्लेट से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे सपोज कर लो, तो इसमें एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन ही मिल जाए, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। इस सिचुएशन को क्यों, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा नहीं रहा, अब कितना भी वोल्टेज यहां बढ़ा दो बट यहां पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तो यहां पे क्या होगा कि करंट नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये सेचुरेशन करंट में कुछ ऐसा सीन बनता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ती है, एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर करंट क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, अच्छा ये करंट है वाई एक्सिस पे, इधर है वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाते जाओ बट सैचुरेशन करंट मैक्सिमम हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर यहाँ प्लेटों के बीच में जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, मतलब वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई कर दीजिए, किधर अप्लाई कीजिए इस साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दीजिए, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दीजिए। तो कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम एक्सटर्नल वाली को अप्लाई करते हैं तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ा देते हो यहां पे लाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे तब इफेक्ट पड़ सकता है जब यहाँ से पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ बढ़ जाए तो करंट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों के नंबर कुछ कम हो जाए तो कम हो जाएगी। देखो जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, कितना लगेगा ई, किधर लगेगा इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है जबकि निगेटिव पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और ये कितना लगता है QE। अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स क्या लगता है QE। तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इधर लगेगा, तो EE फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे। अच्छा जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं उन पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया बट सेचुरेशन करंट की सिचुएशन थी, सेचुरेशन करंट मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे उतने ही यहाँ पहुँच रहे थे, तो अब कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने नहीं, क्यों, क्योंकि जितने भी निकले वो सारे सारे यहाँ पहुँच ही रहे हैं पर सेकेंड, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो नहीं रहा, मतलब सेचुरेशन करंट ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। तो ध्यान रखेंगे कि सेचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे क्या होगा नो इफेक्ट, तो पहले वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द कलेक्टर प्लेट। भाई इस कलेक्टर प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ना जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी थी बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, किधर लग गया है कलेक्टर की डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया। जब किसी बॉडी पर लगातार फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। भाई जब ये फोर्स नहीं था तो इलेक्ट्रॉन चले आ रहे थे, उनकी वी वेलोसिटी थी, वी वेलोसिटी जो भी था मतलब इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से जो भी उनको पोटेंशियल मिल रहा था उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उससे एक्स्ट्रा फोर्स लग गया ना, किधर लगा जिधर मोशन हो रहा उधर ही लगा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे इधर ही लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा निगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स इस तरफ लगेगा तो सब इलेक्ट्रॉनों पे एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड, ये क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।